नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन कुमार, न्यूरो थेरेपिस्ट। मेरे साथ आज एक पेशेंट हैं, इनका लगभग 7 ही दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है सर। 7 दिन हो गए हैं और ये काफ़ी मतलब आराम बता रहे हैं, मतलब अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, मगर मैंने सोचा 7 दिन हो गए हैं, क्यों ना इनका एक पेशेंट का रिव्यू डाला जाए। इनको पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, कब्ज की दिक्कत थी और इनके पेट में बहुत ज़्यादा नली थे। थोड़ा ऊपर करो, ये दर्द हो रहा है, ये इनका बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो इनको पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कब्ज रहती थी और इनको नले हो गए थे और नाभि इनकी हटी हुई है, अभी भी हटी हुई है, अभी पूरी तरह सेट नहीं है क्योंकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, हो सकता है 15 दिन 20 दिन इनका ट्रीटमेंट चले। तो आपका नाम क्या है सर? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी कहाँ से हैं आप? सर ये मैं मालधन से। मालधन ये रामनगर के पास में, रामनगर ये उत्तराखंड में पड़ता है ना सर। हाँ, तो इनको पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कब्ज रहती थी, गैस की प्रॉब्लम थी और साथ में क्या क्या रहता था आप बताओ, खुद से बताओ क्या क्या दिक्कत थी आपको? कब्ज रहती थी और पेट में थोड़ा मरोड़ और चुभन टाइप की रहती थी। अच्छा, और हैवीनेस, अच्छा हैवीनेस रहती थी और घबराहट, अच्छा ये चीज़ रहती थी। अच्छा हाँ, पेट साफ नहीं होता था खुल के। अच्छा, और टेंशन डिप्रेशन कुछ? हाँ टेंशन भी रहती थी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता था। अच्छा, मन लगता था किसी काम में, मन लगता है। अच्छा, अभी इलाज को कितने दिन हो गए? कितना दिन हो गया सर ये इलाज को? तो 7, 8वां दिन है। 8वां दिन हो गया। आपको क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला? सर मुझे क्लिनिक के बारे में मैंने फ़ोन पर देखा, आपकी वीडियो देखी, उसके बारे उसके माध्यम से मुझे यहाँ पता चला। अच्छा अच्छा, तो अभी हमारा जो क्लिनिक है वो काशीपुर में है, काशीपुर उत्तराखंड की बहुत अच्छी जगह है, दिल्ली से आने में बस 4-5 घंटे लगते हैं, जो दिल्ली से हमारे पर पेशेंट आना चाहते हैं या फिर कहीं और से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, मान लो मुंबई से या फिर कोलकाता से कोई, बहुत सारे पेशेंट पहले जो आते थे वो डायरेक्ट आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली से या पंतनगर भी एयरपोर्ट है, वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी काफ़ी समय से हमारा क्लिनिक ऑफ चल रहा था, अभी हमने फिर से शुरू कर दिया है यहाँ पर क्लिनिक प्रॉपर तरीके से, अभी क्लिनिक चल रहा है, तो जो मरीजों को हमने मना किया था अभी आने के लिए वो अब आ सकते हैं। तो अभी आपको आराम है? हाँ सर आराम है। क्या क्या आराम लग रहा है आपको? भूख भूख भी अच्छी थोड़ा सही लग रही है। भूख अच्छी लग रही है। हाँ। और टेंशन डिप्रेशन भी कम है? हाँ वो भी नहीं है, कम है पहले से। पहले से तो ओवरऑल ठीक है ना? हाँ पहले से सही है। मैंने कितने दिन का ट्रीटमेंट बताया था आपको? आपने बताया था 15 से 20 दिन का। 15 से 20 दिन का, 7 दिन में आपको मतलब आराम आना शुरू हो गया? आना शुरू हो गया। शुरू करें ट्रीटमेंट फिर? ठीक है चलो लेटो। इससे पहले कहाँ कहाँ से इलाज कराया आपने? जसपुर से। कितना टाइम हो गया दवाई खाते हुए? लगभग 1 साल हो गया मुझे। 1 साल? प्रॉब्लम कब से? 1.5 साल से। 1.5 साल से प्रॉब्लम है। अच्छा, तो जितना अभी आराम आपको यहाँ से मिला, इतना आराम मिला कहीं से? ना इतना नहीं। नहीं मिला कभी? ठीक है। आपको कोई मेडिसिन वगैरह हमने यहाँ पर कोई मेडिसिन तो नहीं दी? नहीं दी। ठीक है शुरू करो। देखो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, जो पेशेंट हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिनको पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, मैं सचिन कुमार न्यूरो थेरेपिस्ट हूँ और मैं न्यूरो थेरेपी का यहाँ ट्रीटमेंट देता हूँ। साथ में आप हमारे क्लिनिक पर आप आयुर्वेदिक का इलाज ले सकते हैं, डॉक्टर विपिन कुमार हैं BMS और यहाँ पर हमारे पास पंचकर्मा और जो दवाइयाँ हैं वो होम डिलीवरी भी हो सकती हैं, मतलब अपने घर, आप अपने घर से ही जाँचें वगैरह करा के डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं और आपको आपके घर पे ही मेडिसिन भेज दी जाएगी, तो इस प्रकार की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे इनका पेट है, मैं आपको बता देता हूँ कि नाभि का पता कैसे चलता है कि नाभि हट गई नहीं हट गई है। तो सबसे पहला सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करके और यहाँ पर रखेंगे, ये आपकी नाभि पहले से तो ठीक लग रही है मेरे को, पहले बहुत ऊपर थी ना, अभी लगभग यहाँ है, इसके आसपास में है। इनकी नाभि अपनी जगह से, ये जो हमारी नेवल होती है, ये जो नेवल होती है इससे ऊपर की साइड में, ये ऊपर की साइड में है इनकी नाभि, जबकि यहाँ पर साउंड यहाँ होनी चाहिए, अभी इनकी हल्की सी ऊपर की साइड में है। अगर किसी की नाभि इधर की साइड में होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होती है, तो उसको यहाँ पर मान लो कभी कहीं यहाँ या यहाँ पर कहीं इसकी आवाज़ आती है, ऐसे अगर छूके देखते हैं तो डेवलप की साउंड ऊपर नीचे अगर यहाँ होता है तो उसको लैट्रिन में म्यूकस आएगा, जब वो स्टूल कर पास करने के लिए जाएंगे तो उसमें म्यूकस टाइप का आता है चिपचिपा, तो वो इन्फ्लामेशन हो सकता है उसकी इंटेस्टाइन में, इसलिए वैसा होता है। अगर किसी को लेफ्ट राइट हैंड साइड में है तो उसका मतलब होता है कि उनके लीवर में दिक्कत है, अगर किसी को इधर की साइड में होता है ये तो उसको लीवर में दिक्कत हो सकती है राइट हैंड साइड में। अगर किसी को नीचे की साइड में है, नीचे की साइड में अगर किसी को हो रहा है तो उनको टेस्टिस की प्रॉब्लम हो सकती है और उनको बहुत ज़्यादा नाइट फेल होगा, और बेसिकली जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है नाभि हटने की वजह से उनको ज़्यादातर लोगों को नाइट फेल होता है, और नाइट फेल हो जाने की वजह से और भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको भी होता था नाइट फेल? अब तो नहीं हो रहा? अब नहीं है। अगर हो तो बता देना, ठीक है? अब तो नहीं, जब से तो यहाँ पे जब से हुआ नहीं, जब से यहाँ आए नाइट फेल नहीं हो रहा है, नहीं हो। उसके लिए कोई अलग से मेडिसिन तो नहीं दी है? ना। ठीक है, तो
अगर किसी को नाइट फेल होता है तो मेडिसिन आप हमसे घर पे भी मंगा सकते हैं, हम आपके घर पे ही मेडिसिन सेंड कर देंगे। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। बाकी अगर किसी को यहाँ पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, दवा पेन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, इनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये यहाँ पे हल्का बहुत हल्का इधर की साइड में नाभि हटी हुई है, तो इसका मतलब इनके लीवर में प्रॉब्लम है, मसल्स हट जाने की वजह से, नाभि हट जाने की वजह से। तो कुछ ये सिम्टम्स रहते हैं। अब हमको कैसे क्योर कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि ऐसे करके आप थूके देखेंगे तो जो नीचे से साउंड सी आती है उससे पता चल जाता है कि नाभि हटी हुई नहीं हटी हुई है। अगर वो बीच में अगर केवल यहाँ पर बोल रही है तो नाभि सेट है, अगर इधर उधर कहीं हो रही है तो नाभि अपसेट है। अब हम देखते हैं ये तरीका, देखिए एड़ियों से कैसे पता लगाते हैं। इनका अभी 7-8 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमने लगभग इनके पैर बराबर कर दिए हैं। अगर किसी की नाभि हटी हुई है तो उसमें कैसा होगा, ये इस प्रकार से एड़ी एक छोटी होगी, जैसे ये वाली एड़ी अंदर है और ये वाली एड़ी बाहर है, तो नाभि अगर हटी होगी तो ऐसा होगा। मगर मैं टेढ़े करके दिखा रहा हूँ पैर, अभी आपको बताने के लिए मैंने ऐसे क्या हुआ है, बाकी इनकी नाभि अभी काफ़ी हद तक सेट है। ये तरीका होता है और इस प्रकार से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। अंगूठों को ये अंगूठे जो हैं उनको यहाँ पर पकड़ेंगे, कहाँ पर, यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, और ऐसे पकड़ने के बाद उनको ऐसे नीचे की साइड में ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अंगूठे छोटे बड़े आ जाते हैं। जैसे ये अभी ये अंगूठा थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी एक तरीका है किसी की नाभि हटी हुई है डायग्नोस करने का। तो ऐसे मरीजों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या हो सकती है, लूज मोशन की समस्या हो सकती है, टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन हो सकता है, साथ में लेटरिन में म्यूकस आ सकता है, और ये अगर हम इसका इलाज नहीं कराते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो आपको हो सकता है कि पाइल्स हो जाएँ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपके आसपास में कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट है आप वहाँ पर तुरंत इलाज के लिए जाइए अगर आपको ऐसी समस्या रहती है। मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। चलो अब इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इनके पेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, कि इनके पेट में कब्ज है, गैस की प्रॉब्लम रहती है और लूज मोशन टाइप की इनको प्रॉब्लम रहती है, नाभि हटी हुई है इनकी। तो अभी हम इनको ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ट्रीटमेंट, वो आप अपने घर पर करने की कोशिश ना करें, कोई थेरेपिस्ट इसको कर सकता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने का खतरा रहता है और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, टेस्टिस में स्वेलिंग आ सकती है अगर आप ये जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अगर आप अपने घर पर करते हैं। तो इस प्रकार से इनका पैर पकड़ना है, एक पैर पकड़ेंगे, एक हाथ पकड़ेंगे और इस प्रकार से इनको स्ट्रेचिंग दूंगा, हल्की स्ट्रेचिंग के साथ। अगर आप घर पे करेंगे, अगर आपने ज़्यादा कर दिया, अगर गलत जगह पे पैर रख दिया तो इनके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, तो ऐसा आपको घर पे नहीं करना है। ये क्रॉस करना होता है, एक पैर ये वाला पकड़ेंगे, एक पैर एक हाथ ये पकड़ेंगे और हल्के प्रेशर के साथ इनको इस प्रकार से खींचेंगे। पेन तो नहीं हो रहा भाई? ना, ज़्यादा स्ट्रेचिंग तो नहीं है? ना। ये तो ये करना होता है, 2-3 बार ऐसे करना होता है। ये इसके बाद हम इनको लेग फोल्ड देंगे, सिंगल लेग फोल्ड। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। ये सिंगल लेग फोल्ड है, ये 3-3 बार करना होता है, एक पैर से 3 बार करने का तरीका। ये आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो मरी वाली हड्डी होती है एड़ी के पास वाली, ये वाली हड्डी, इसको बाहर की साइड में रख करके ऐसे करके और इस प्रकार से ये जोड़ पे बिल्कुल बढ़ाना होता है, उस प्रकार से पंजे को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे प्रेशर डालेंगे, तो ये ऐसे करना होता है। अगर किसी के घुटनों में दर्द रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं भी कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अगर आप घर पर बैठे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। इधर की साइड में जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। जिनको कमर में, घुटनों में या फिर किसी को एएस की प्रॉब्लम है, जिसे हम बम्बू स्पाइन बोलते हैं, अगर उसकी प्रॉब्लम है तो आप घर पे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। तो ये मैंने इनको लेग फोल्ड दे दिया है, सीधे हो जाओ। अब इनको देंगे हम, नेक्स्ट स्टेप होता है
एवीडी जिसे हम बोलते हैं न्यूरोथेरेपी की भाषा में एब्डोमेन सेटिंग, ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो पेट की मसल्स होती हैं वो अपनी जगह सेट हो जाती हैं, इसमें ये खोला जाता है ऐसे पैरों को, एड़ियाँ भिड़ी होंगी, पंजे भिड़े होंगे, इस प्रकार से खोला जाएगा। तो ये 6 सेकंड तक बाहर की साइड में ऐसे दबा कर रखना होता है, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे और 6 सेकंड तक दबाए रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये स्टेप हमें 3 बार करना होता है, तो ये 3री बार है। और इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे जितना हो सकता है, ऐसे खोलेंगे, फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड, इनकी लेफ्ट साइड ये वाली है ना, ये वाली साइड ये, तो लेफ्ट साइड वाले को पहले दबाते हैं, 6 सेकंड तक नीचे रखेंगे, और उसके बाद राइट वाले को दबाएंगे और पूरा प्रेशर डालेंगे जितना मरीज सहन कर सकता है। और ये आप घर पे कर सकते हैं चाहे तो, ये ठीक है, ये करना होता है 3-3 बार। इसके बाद हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे ले जाओ ऊपर को, हाँ ये ऐसे करके, ये जिनको प्रैक्टिस है, जो न्यूरोथेरेपिस्ट बहुत टाइम से थेरेपी दे रहे हैं, वो अच्छे से कर पाते हैं, बाकी आप अपने घर पे करेंगे तो उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो घर पे करते हैं उनको उतना अच्छा रिजल्ट मिलता भी नहीं है। ये स्टेप भी 3 बार करना होता है। ये वाली साइड में बोला दर्द, दर्द तो होगा, स्ट्रेचिंग तो होगी, स्ट्रेचिंग करेंगे तो दर्द होता ही है। कहाँ दर्द हो रहा है? ये पूरी यहाँ से यहाँ पे, इसलिए तो इसको करते हैं बॉडी बैलेंस करने के लिए। इधर हो रहा है, इधर तो सही है, जबकि इधर भी होना चाहिए, इधर खिंचाव ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, ये 3-3 बार हो गया, ये मैंने एवीडी सेटिंग दी है। इसके बाद आता है न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कोई भी घर पे नहीं करेगा, वो केवल एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है। ये बेसिक ट्रीटमेंट जो घर पे करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको भी पेट की कोई गंभीर समस्या है तो आप न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अब इनका न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट चलने वाला है, जो कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनको 2 टाइम ट्रीटमेंट दिया जाता है, सुबह और शाम को। रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर होती है, आप अपना सामान लाइए, केवल अपने कपड़े वगैरह लाइए, और रहने की व्यवस्था यहीं पर कर दी जाती है, बिस्तर वगैरह सब कुछ यहीं मिलता है। और ट्रीटमेंट यहाँ पर सुबह शाम होता है, आप यहाँ पर रहकर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, 15-20 दिन का ट्रीटमेंट होता है। बाकी फीस वगैरह के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इधर की साइड में जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।